कहते हैं जिनके इरादे नेक हो उनकी मंजिलों में चाहे कितने भी कांटे आए उन्हें देर से ही सही मंजिलें मिलती जरूर है। जी हाँ, केखा बढ़ने दो दिन पहले एक खबर को बड़ी ही प्रमुखता से चलाया था। एक मातृशक्ति जिसने अपने बेटे की बीमारी को एक प्रेरणा बनाया और दूसरी माओं के होठों पर हंसी लाई। जी हाँ, जीना जहां जिसका बेटा निशक्त है और उसने अपने बेटे का दर्द समझते हुए उन सभी माओं के दर्द को अपना लिया जिनके बेटे जिनके बच्चे निशक्त है। और इस खबर का असर इतनी जल्दी होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जी हाँ, कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने इस खबर की प्रशंसा की है, साथ ही जीना जहां की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। लंबे समय से जीना जहां की कक्षों को लेकर मांग चल रही थी और उस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आश्वासन दिया है। आइए रूबरू होते हैं उस मातृशक्ति से जिसने अपने साथ साथ हर माँ का दर्द समझा और उनकी खुशियों में उसके दुख में बराबर की शरीक हुई। करते हैं उस माँ से जिसने अपने साथ साथ उन सभी माओं का दर्द समझा और उन माओं के चेहरे पर हंसी लाई। जीनत मैम, के खबर आपकी आवाज बना, आपके सपने साकार होते नजर आ रहे हैं। जैसा कि सुनने में आया है कलेक्टर साहब ने आपके कक्षों के लिए सहमति दे दी है, जल्द से जल्द आपका सपना साकार होगा, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे आप उनका? सबसे पहले तो मैं आज मर्या दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और सबसे बड़ी खुशी आज मुझे हासिल हुई कि मेरा सपना के टीम के माध्यम से साकार होने जा रहा है। जनता प्रशासन और कलेक्टर महोदय तक मेरी आवाज़ गई है, उन्होंने उसकी सुनवाई की बात की है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ के टीम खबर के माध्यम से कि मेरा सपना साकार पूरा होने जा रहा है और कलेक्टर महोदय प्रशासन के मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मोदी साहब, आप जो स्कूल चल रहा है इशू के नाम से, जीनत मैम के जो बेटे हैं उसके अध्यक्ष हैं, तो आपने शुरू से लेके आज तक किस तरह सफर किया अपने सपनों को साकार करने के लिए, उन बच्चों के चेहरे पे हंसी लाने के लिए जो निशक्त हैं, जो समझ नहीं पाते, अपने हाव भाव बता नहीं पाते, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रामपुरा से शुरुआत की, रामपुरा में रिस्पॉन्सर मिला, फिर हम हमारी बेटी के माध्यम से नीमच में ये शुरुआत की और यहाँ पे भी हमने सोचा काफी अच्छा रिस्पॉन्सर मिलेगा, बाकी फिर भी हम निराश हो गए और सरसा भी बंद करने के इसमें थे, बाकी आपको केवल खबर से हमारे आशा बनी कि मतलब आपके थ्रू आवाज उठी और प्रशासन ने हमारी आवाज स्वीकार करी, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर के खबर ने निभाई थी अपनी अहम भूमिका। जीनत जहां की आवाज बना था के खबर न्यूज। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जीनत जहां के निशक्त बच्चों की सेवा की सराहना की और साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। जल्द मिलेंगे जीनत को बच्चों की सेवा करने के लिए कमरे। कहते हैं जिसके इरादे नेक हो उन्हें देर से ही सही लेकिन मंजिलें मिलती जरूर है। जी हाँ, धन्यवाद है कलेक्टर का और धन्यवाद है उस माँ का जिस माँ ने अपने दर्द के साथ साथ उन माओं का भी दर्द समझा जिनके बच्चे निशक्त हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीनत जहाँ का सपना साकार होते दिख रहा है और होना ही था। जब बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करने का अगर दृढ़ संकल्प लिया जाता है तो उसके सपने साकार जरूर होते हैं। आपको बता दें कि निशक्त बच्चों की सेवा करने का जज्बा रखने वाली जीनत जहां की आवाज के खबर न्यूज बना था, जो हमारा फर्ज भी था। आखिर नेकी के लिए किए जाने वाले हर कार्य में के खबर हमेशा आगे रहता है। इसके साथ ही जीनत जहां जैसी तमाम उन सेवा करने वाली महिलाओं को सलाम। आपके लिए भी उन्होंने अपील की है कि मेरे जिलाधीश महोदय से अपील किया कि मैं निशक्त बच्चों की सेवा कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से, मुझे एक कोई कमरा मिल जाए ताकि मैं उन निशक्त बच्चों को थेरेपी कर सकूं और उनको चलने लायक अपने पैरों पे खड़ा कर सकूं। जी जी, आपने उस अपील के बारे में मेरे संज्ञान में अभी लेकर आए हैं, हम लोग विचार कर लेते हैं, जो भी नियमों में और जैसे भी मदद शासन प्रशासन की तरफ से की जा सकती है उनकी वो हम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर की खबर धन्यवाद देता है कलेक्टर मयंक अग्रवाल का, उन्होंने एक माँ के दर्द को समझा और उनकी समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। उम्मीद करते हैं कलेक्टर साहब जल्द से जल्द इस माँ की पुकार सुनते हुए इनकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।